ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके कुछ अवगुणों की, क्योंकि ये अवगुण आपके जीवन में कई सारी परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। इससे शनि, राहु, केतु, शुक्र, बृहस्पति सभी ग्रह खराब हो रहे हैं और इन अवगुणों पर हम कितना भी कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को हम थोड़ा सही करें, लेकिन नहीं कर पाते। तो महिला, पुरुष, स्त्री जो भी हैं, आपकी राशि अगर यह है तो आपको इन अवगुणों पर काम करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। सबसे पहला अवगुण है कि आपकी राशि के जातक बहुत ज़्यादा खुद पर यकीन नहीं करते हैं। जब कभी भी बात आती है खुद को प्रस्तुत करने की, जब कभी भी बात आती है खुद की काबिलियत के ऊपर, आप में काबिलियत है लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप में काबिलियत नहीं है, आप औरों से पीछे हैं, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि जीवन में हम वो नहीं कर सकते जो दूसरा कर सकता है। और आप में ये सबसे बड़ी खुद के प्रति जो एक पॉजिटिविटी है उसका बहुत बहुत अभाव है, और इस वजह से आप अच्छे अवसरों को हमेशा छोड़ देते हैं और बाद में पछताते हैं। आप में उनसे बेहतर चीज़ें करने के लिए, आप में सबसे बेहतर चीज़ें करने की योग्यता है, ये खुद को समझाएं और इस चीज़ पर यकीन करें। दूसरा सबसे बड़ा अवगुण है बहुत जल्दी किसी पर भी यकीन कर लेना। यकीन करें क्योंकि यकीन पर दुनिया कायम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी पर भी यकीन कर लेंगे। लोग आएंगे, आपको लालच देंगे, आपको एक छोटी सी बात बताएंगे, आप उनके प्रति श्रद्धा हो जाएंगे कि हाँ ठीक है और आगे, ऐसा नहीं करना है हमें। हमें जब तक कि व्यक्ति की विश्वसनीयता पर, सत्यता पर, कसौटी पर खरा नहीं उतरे, तब तक उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरह यकीन करेंगे तो आपकी परेशानियां और बढ़ेगी, घटने का नाम नहीं लेगी। तीसरी जो आपका सबसे बड़ा अवगुण है कि बहुत जल्दी आप अपने मन की जितनी सारी बातें होती, जो भी व्यक्ति के मुंह पर जो होती है वो मुंह पर कहना पसंद करते हैं, और आप अपने लिए भी वही चीज़ें पसंद करवाते हैं कि जो भी मुझ में हो मुझे मुंह पे बता दे, पीठ के पीछे किसी के कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इस वजह से लोग उस समय तो आपको बहुत ही सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आपके प्रति वो गिल्टी रखते हैं, आपके प्रति वो एक द्वेष का भाव रखते हैं, क्योंकि आपने उनकी बुराई कर दी, आपने उनकी ईगो को हर्ट कर दिया। आपका उद्देश्य वो नहीं था, लेकिन सामने वाले को ये ऐसा लगता है और इस वजह से आपकी परेशानियां और बढ़ जाती। अगला अवगुण है कि आप दूसरों पर बहुत खर्च करते हैं, आप पर खुद पर नहीं करते हैं, और इस वजह से आप कई बार कर्जे पर आ जाते हैं, कई बार धन के ऐसे अभाव में आ जाते हैं कि जिसमें आप नहीं निकल पाते। तो ऐसा नहीं करना है हमें। दूसरों पर खर्च करें, जितना हो सके उतना खर्च करें, जितना आप अफोर्ड कर पाएं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बहुत सारा खर्च करके अपना वक्त और समय, धन सभी ज़ाया करें। तो इन चीज़ों पर ध्यान दें। और सबसे महत्वपूर्ण अवगुण है कि बहुत जल्दी दया आ जाती है। दया ही दुख का कारण है, ये बात किसी ने कही है, सच है, लेकिन दया आना और आपकी दया का मिसयूज़ होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। लोग आएंगे, थोड़ी सी बातें आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे कि अरे भैया ऐसा है, दीदी ऐसा है, और आप बिल्कुल यकीन करके चीज़ें में चले जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका वर्तमान भी खराब होता है, धन भी खराब होता है, पैसे भी खराब होते हैं, और आपकी जो अच्छाई है ना उसका लोग जो मिसयूज़ करते हैं, इसके बाद जब आपको पता लगता है आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस पर नहीं 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 किस कुछ भी हो जाए हमें ध्यान नहीं देना है। अगली और जो मुख्य अवगुण है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से खुद की तुलना करते हैं। आप बहुत बेहतर हैं, लोगों से बहुत बेहतर है, आपके पास जो चीज़ है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, इसलिए लोगों से तुलना करके आप अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने चिंतन को, मनन को बेफिजूल में आप व्यथित करते हैं और परेशान हो जाते हैं। ऐसा करने से बचें दोस्तों। आप इन अवगुणों पर विशेष कर ध्यान दें जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर ये आपसे मिलते जुलते हैं तो ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि हाँ ये हमसे मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर एक बार बात जरूर करें, शायद आपकी समस्या का समाधान आपको यहाँ मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो।